हाय दोस्तों, V12 फुल सर्विस पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्विस के दौरान कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है उसे तो हमें सही करना ही करना है, लेकिन उस दौरान हमें जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखाई दे तो उसे भी ठीक करना है। अगर कोई बड़ा खर्चा है तो ज़रूर कस्टमर के साथ शेयर करना चाहिए। अगर कस्टमर एग्री है तो वो काम करेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नई चेंज पॉकेट किट इंस्टॉल करेंगे। चेंज पॉकेट के साथ पिछले वाला बड़ा स्पॉकेट, फ्रंट वाला स्मॉल स्पॉकेट और चेन तीनों सेट में आ जाएगी। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर कस्टमर भाई का कहना होता है कि भाई आपके हिसाब से सब देख लेना, जो भी ज़रूरी है वो आप कर देना। कस्टमर जब पहली बार आएगा तो किसी रेफरेंस के हिसाब से आएगा, लेकिन बार बार वो रेफरेंस के हिसाब से नहीं आएंगे। वो आपसे तभी जुड़ेगा जब आपका काम सही हो, आपका बात करने का तरीका सही हो, कस्टमर के सारे प्रॉब्लम आप ठीक से समझते हो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तभी वो आपसे जुड़ेगा। आपका वर्कशॉप का साफ सफाई, आपका वर्कशॉप का स्टाफ, आपका रिजनेबल प्राइस, वो सभी बातें उस पर डिपेंड करती है। कोई भी कस्टमर अपनी प्यारी सी बाइक हमारे भरोसे पर छोड़ जाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसे पूरा तरह से बढ़िया तरीके से काम करके दें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर ना जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अगर इस तरह आप प्यार देते रहेंगे तो हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज की बातें लेके आते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में सारे पॉइंट मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो मैं कवर करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे, आप देखेंगे नहीं। अगर आपको कोई भी मेरे वीडियो से क्वेरी है तो आप मुझे अपना दोस्त समझकर बेझिझक पूछ सकते हैं। बैटरी सेल्फ नहीं ले पा रही है, हम बैटरी को चार्जिंग के लिए छोड़ेंगे और हम देखेंगे कल बैटरी चार्ज होती है नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।